तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आपका फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों 3 दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर गया था दोस्तों, और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। पर यहाँ सेटअप पर भी मैं आज आया हूँ दोस्तों 2 दिन के बाद। यहाँ पर देखिए मैंने इन्हें दाना पानी दे दिया है, और अभी अभी मैंने कॉकटेल्स और कबूतरों को भी खोल दिया है दोस्तों। अब हम इन्हें भी दाना पानी देंगे और देखेंगे इनके अंदर क्या क्या प्रोग्रेस आया, क्योंकि 2 दिन से मैं तो सेटअप पर आया नहीं दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ पर भी दाना पूरा ख़त्म हो गया दोस्तों कबूतरों का। तो चलिए पहले कबूतरों को दाना पानी करके हम हमारे कॉकटेल्स को भी दाना पानी देंगे। अभी भी दोस्तों थोड़ा सा मेरी आवाज़ में फ़र्क होगा क्योंकि जो है मुझे थोड़ी सी सर्दी ज़ुकाम हो गई है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम जो है हमारे कबूतरों को उनका दाना पानी दे देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर सबसे पहले हमारे कबूतरों को दाना दे दिया है। देखिए कितने भूखे थे इसलिए अब झगड़ा भी नहीं कर रहे दोस्तों, एक साथ सब मिल के खा रहे हैं। चलिए इन्हें खा लेते हैं। और यहाँ तो फीमेल अंडों पर ही बैठी है दोस्तों, अभी यहाँ के अंडे नहीं निकले। तो चलिए अब हम कॉकटेल्स को जो है इनका दाना पानी देके इनकी जो है दोस्तों ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करेंगे आज। तो यहाँ पर देखिए हमने हमारे कॉकटेल्स को भी दाना पानी दे दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस ब्रीडिंग बॉक्स में क्या है मैं आज आपको वो दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंडे तो थे, एक बच्चा भी निकलने वाला था दोस्तों। यहाँ पर देखिए, अरे यार, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बच्चा जो है बन गया था दोस्तों, निकल भी गया था लगता है। ये जो है डेड इन शेल हो गया है दोस्तों, देखिए ये इस शेल के अंदर ही मर गया है दोस्तों। बच्चा जो है पूरा सा बन गया था दोस्तों, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। पर ये जो है दोस्तों इस अंडे के अंदर ही मर गया शायद से। हमारे पास दोस्तों कभी भी जो है बच्चा जो है हमारे अंडों में बना नहीं, जब भी अंडे होते थे दोस्तों अनफर्टाइल होते थे। अब की बार जो है दोस्तों अंडे फर्टाइल तो हुए थे, बच्चा भी बन गया था दोस्तों, पर लगता है इन्होंने इसकी केयर नहीं की, इसे जो है रेड इन शेल हो गया दोस्तों। ये इस अंडे के अंदर ही मर गया है दोस्तों बच्चा। देखिए मैं बहुत खुश हो रहा था दोस्तों कि हमारे पास जो है अंडों में से जो है दोस्तों बच्चे बन रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चा तो पूरा बन गया था दोस्तों, पर ये बाहर नहीं निकल पाया शायद। देखिए अभी भी ये शेल को ही चिपका हुआ है, अभी अंडे हैं दोस्तों। देखिए ये जो है दोस्तों मेरे ख्याल से अंडे ख़राब भी होंगे। अभी ये लोग जो है अभी अंडों को इंक्यूबेट कर रहे थे, बच्चे नहीं निकले थे, इन्होंने दूसरा क्लच भी स्टार्ट कर दिया है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो अभी यहाँ पर अंडे हैं दोस्तों ये 2-3, मैं उन्हें चेक करके दोस्तों फेंक दूंगा वापस से अगर ख़राब निकले तो। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अभी 4-5 अंडे हैं दोस्तों, इसमें से अभी एक में जो बन रहा है बच्चा, देखते हैं उसको क्या होता है दोस्तों। मैं उसे बाहर नहीं निकालूंगा, एक अंडा तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, एक में से जो है दोस्तों बच्चा तो बन गया था पर वो बाहर नहीं निकल पाया, इसका लगता है डेड इन शेल हो गया है। तो चलिए इसे हम पूरा बाहर निकाल के चेक करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, अभी आने वाले दिनों में जो है हम इनके अच्छे से ब्रीड लेंगे सक्सेसफुली। और यहाँ पर एक अंडा है दोस्तों, मुझे लगता है ये ख़राब है, तो चलिए हम इसे फोड़ के देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम ये वाला अंडा भी जो है फोड़ के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाला अंडा तो बिल्कुल ही ख़राब था दोस्तों, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए ये बच्चा भी मर गया, एक अंडा भी ख़राब हो गया है दोस्तों। तो चलिए अभी चेक करते हैं हमारे मास्टर केज के अंदर क्या अपडेट है दोस्तों, 3 दिन से मैं तो आया नहीं। तो दोस्तों अभी मैं मास्टर केज के अंदर गया था क्योंकि यहाँ पर देखिए इनके दाने का बॉक्स खाली हो गया था। तो मैंने ये भरने के लिए जैसे ही अंदर गया बाहर लाने के लिए, यहाँ पर देखिए मुझे क्या मिला दोस्तों, ये एक वाइट, फुल्ली वाइट जो है दोस्तों फीमेल है, लुटिनो फीमेल। देखिए कितनी अच्छी है ये बजीज, ये बहुत अच्छी थी दोस्तों। इसने बहुत बार हमारे पास ब्रीड भी किया है, अच्छे बच्चे भी किए थे दोस्तों, लगता है ये सर्दी के कारण मर गई है। तो चलिए अब हम कुछ कर भी नहीं कर सकते, तो चलिए अब चलते हैं मास्टर केज के अंदर। और यहाँ देखिए दोस्तों हमारे सारे के सारे बजीज कैसे इसके अंदर बैठ के दाना खा रहे थे, उसमें दाना ख़त्म हो गया था, बस थोड़ा सा बचा था, मैंने इन्हें डाल दिया था दोस्तों। देखिए ये पूरे कितने अच्छे लग रहे हैं, एक साथ बैठ के यहाँ पर खा रहे हैं दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों मैंने हमारे अफ्रीकन लवबर्ड्स को भी खाना डाल दिया है, देखिए वो यहाँ कितने शौक से खा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा ब्लू वाला पैर है, और ये हमारा फिशर वाला पैर है दोस्तों व्हाइट वाला, और यहाँ पर जो ग्रीन वाला पैर है वो अंदर है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप ये कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों सबका दाना पानी हो गया है, सब यहाँ देखिए आप कितने आराम से खाना खा रहे हैं, यहाँ देखिए, और ये लोग भी, और ऊपर वाले दोनों पैर, और यहाँ पर ये लोग, तो ये वाला एक बजी तो यहाँ पर आके बैठ गया है मेरे सामने। और यहाँ पर देखिए ये लोग खाना दाना पानी सब आराम से खा रहे हैं, बस हमें राजू को एक देना है दोस्तों, उसके बाद यहाँ का काम हो जाएगा ख़त्म। और दोस्तों यहाँ पर जो है सर्दी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, ये टाइम दोस्तों धूप आ रही है पर शाम के टाइम यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं वो बल्ब चालू ही रखा हूँ दोस्तों। वहाँ देखिए अभी भी थोड़े जो है परिंदे वहीं बैठे हैं दोस्तों, उसके सामने ही जो है अपने आप को हीट ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सर्दी के कारण आप देखे होंगे अभी एक
जो है हमारी बच्ची की जो है दोस्तों डेथ हो गई है, वो सर्दी के कारण ही हो गई है दोस्तों। वो बहुत अच्छी थी, तो चलिए अब हम उसे कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। यहाँ पर इन लोग दाना खा पानी कर लेंगे और वहाँ पर हमारे कॉकटेल की जो है दोस्तों एक हिसाब से गुड न्यूज़ भी है वो और बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि उसमें से हमारे पास आज तक कभी भी बच्चा नहीं निकला था दोस्तों। अब की बार बच्चा तो निकला पर वो बच नहीं पाया। अब चलिए हम आगे की कोशिश में बच्चों को जो है दोस्तों, अब तो हमने अंडे फर्टाइल आना चालू हो गए हैं हमारे पास, अब अंडों को फर्टाइल के साथ अब बच्चे भी जो है दोस्तों नेक्स्ट टाइम से बड़े हो जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी इनका कुछ प्रोग्रेस मुझे नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। तो अगर आपको चाहिए तो मैं ये वाला पेड़ जो है सेल करूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर आपको दे दूंगा दोस्तों। और यहाँ देखिए दोस्तों, हमारे योयो रूबी, हमने इन्हें जो है काफ़ी दिन से बाहर भी नहीं निकाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कल जो है हम इन्हें निकाल के इनके साथ खेलेंगे। ये यहाँ बहुत मज़े से रह रहे हैं दोस्तों, अच्छे से खा पी रहे हैं। देखिए अब जैसे मैं यहाँ आता हूँ, इन्हें कुछ खाने के लिए होना पड़ता है। देखिए ये कैसे आवाज़ें कर रहे हैं, देखिए ये डांस भी करता है दोस्तों मुझे जैसे ही देखता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जो है दोस्तों फॉलो कर लीजिए। अगर आपको बर्ड चाहिए तो व्हाट्सअप में मेरा नंबर है, मुझे DM कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।